वेलकम टू माफसा एजुकेशन। टुडे वी विल गोइंग टू स्टडी क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ एंड इन मैथमेटिक्स वी विल गोइंग टू स्टडी चैप्टर 8 दैट इज इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति का परिचय। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये वाला सारे बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति का परिचय। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं 8.1 से लेके 8.2, 8.3, 8.4 जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो सारे जो है ना, सबसे पहले मैंने हर क्वेश्चन समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल से रिलेटेड होता है। तो मैं राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में सबसे पहले मैं आपको मैंने नॉलेज दूंगा कि एक्चुअल है क्या, और इसमें हम लोग कर्ण, लंब और आधार को पहचानने भी सीखना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए, मैंने ट्रिग्नोमेट्री का जितना क्वेश्चन होता है हर क्वेश्चन जो है राइट एंगल ट्राइंगल यानी कि एक समकोण त्रिभुज से रिलेटेड होता सारा क्वेश्चन। तो मैंने यहाँ एक समकोण त्रिभुज बनाया, एबीसी त्रिभुज है जिसमें एक कोण है बी, है ना, यहाँ पर 90 डिग्री बना हुआ सी, यहाँ पर देखिए बॉक्स बना हुआ, बॉक्स का मतलब होता 90 डिग्री, इवन यहाँ 90 डिग्री नहीं लिखा रहेगा तो भी हम लोग को 90 समझ लो बॉक्स का। तो यहाँ पर देखिए कि एक समकोण त्रिभुज में, सिर्फ समकोण त्रिभुज में यह तीन चीज़ें पाया जाता है, एक मिलता पी, पी मतलब परपेंडिकुलर यानी कि लंब, एक बी होता, बी माने बेस यानी कि आधार, और एक एच होता हाइपोटेन्यूस यानी कि कर्ण होता। तो देखिए एच तो हमेशा फिक्स होता है, एच हमेशा फिक्स होता है, एच यानी कि कर्ण। तो कर्ण का पहचान हम पहले बता रहे, तो कर्ण का पहचान है, पहला पहचान, दो पहचान होता है पहचानने का तरीका। पहला है कि हाइपोटेन्यूस को है ना पहचानने का दो तरीका होता है। पहला है कि समकोण यानी 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण होगा, ये जो 90 डिग्री इसके सामने वाला जो भुजा होगा वो कर्ण होगा। दूसरा पहचान क्या है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है, यानी कि एक समकोण त्रिभुज कभी भी बनेगा सबसे लंबा वाला जो भुजा होगा, यहाँ पर दिख रहा हम लोगों, ये छोटा है, यहाँ जो है 90 वाला सामने वाला है ना, सबसे लंबा भुजा जो है वो कर्ण होगा। तो अगर हम लोग कर्ण अगर फिक्स हो गया 90 के सामने वाला, तो बचा क्या, लंब और आधार। तो लंब और आधार कैसे बचाने, तो मैं बताना चाहता हूँ कि लंब और आधार जो है फिक्स नहीं होता है, लंब और आधार फिक्स नहीं होता, वो डिपेंड करता है एंगल पे, डिपेंड करता है ना। तो इसको कैसे जानेंगे, तो जिस एंगल का बात होता है, जिस एंगल का बात होता है उसके सामने वाला भुजा जो है लंब हो जाएगा, जो बचेगा वो कर्ण हो जाएगा, यानी कि जो बचेगा वो सॉरी आधार हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो जैसे मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए एंगल ए का बात होगा, तो ए का सामने वाला जो भुजा है ये लंब हो जाएगा परपेंडिकुलर, और जो बच गया ये हो जाएगा हमारा आधार यानी कि बेस हो जाएगा। और मान लीजिए कि यहाँ अगर एंगल सी का बात हो, तो सी के सामने वाली भुजा जो है ये लंब हो जाएगा ए बी परपेंडिकुलर, और जो बच गया बी सी वो हो जाएगा हमारा आधार बेस। तो यानी कि इससे हम लोग को समझ में आता है कि लंब और आधार जो है वो फिक्स नहीं होता, वो डिपेंड करता एंगल पे। तो इसका एक हमेशा लाइफ टाइम समझने के लिए एक हम नोट्स तैयार किए हैं। देखिए जैसे मान लीजिए साइन ए निकालना, साइन ए का वैल्यू क्या है पी बाई एच, तो यहाँ एंगल ए का बात हो रहा, तो ए का सामने कौन सा भुजा है, तो बी सी है, तो हमारा पी माने लंब जो है बी सी हो जाएगा, और एच तो फिक्स है ना 90 के सामने वाला ए सी, ये हो गया। अब मान लीजिए साइन सी, देखिए वही साइन है लेकिन एंगल चेंज हो जाए सी, फॉर्मूला तो पी बाई एच है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, तो देखिए एंगल सी हो रहा, तो सी तो एंगल चेंज हो गया यहाँ, तो सी के सामने वाला भुजा क्या हो गया ए बी, ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर पी हो गया, ये एच जो है वो फिक्स है ए सी का ए सी है। तो अब स्टूडेंट्स मतलब हम लोग चैप्टर्स मतलब अगला वीडियो में इस चैप्टर से रिलेटेड मतलब क्वेश्चन आपको सॉल्व किया जाएगा, लेकिन आज हम पूरा चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट टोटल डिटेल से पूरा कॉन्सेप्ट देना चाहते हैं। तो इसमें मैंने जब स्टार्टिंग में जो हम लोग एक्सरसाइज 8.1 मिलता, तो उसको सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है वो फॉर्मूला हम आपको पहले बता रहे। तो देखिए है ना, सबसे पहला फॉर्मूला है 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर्मूला, यानी कि 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का फॉर्मूला है। तो देखिए पहला होता साइन थीटा जिसका फॉर्मूला होता पी बाई एच, दूसरा होता है कॉस थीटा इसका फॉर्मूला होता बी बाई एच, तीसरा जो फॉर्मूला था टेन थीटा उसका फॉर्मूला था पी बाई बी, चौथा जो कॉट थीटा उसको निकालना बड़ा आसान है, क्या करिए कि टेन को उल्टा कर दीजिए, टेन पी बाई है उसका उल्टा क्या आ जाएगा बी बाई पी, पांचवा जो है सेक थीटा है इसको भी निकालना बड़ा आसान है, कॉस थीटा को आप उल्टा कर दीजिए बी बाई एच का उल्टा एच बाई बी, तो ये हमारा सेक थीटा का आंसर मिल गया।
और जो साइन थीटा का जो फॉर्मूला है इसको अगर उल्टा कर देंगे तो हम लोग मिल जाएगा कोसेक थीटा, वो पी बाई एच है तो ये हमारा उल्टा हो गया, एच बाई पी हो जाएगा। तो ये जो छः फॉर्मूला है ऑर्डर याद रखिएगा, पहले साइन फिर कॉस फिर टेन फिर कॉट फिर सेक फिर कोसेक। तो हम जो एक्सप्लेन करें हमारा ऑर्डर इस तरह का है। अब देखिए कि मान लो कोई चाहता कि इसको कोई इजी ट्रिक से माने बहुत जल्दी यूं माने बहुत जल्दी याद करना चाहते हैं तो मेरे पास दो ट्रिक है। एक हिंदी में लाल कक्का बोलिए, लाल कक्का, लाल कक्का, लाल कक्का बोलिए। तो देखिए लाल कक्का में देखिए, अच्छा इसका हिंदी लिख रहे थे, पी मतलब क्या हो गया लम हो गया, एच माने हो गया आपका कर्ण हो गया, बी माने हो गया आधार, एच माने हो गया कर्ण, पी माने हो गया लम, बी माने हो गया आधार, बी माने हो गया आधार, पी माने हो गया लम, एच माने हो गया कर्ण, बी माने हो गया आधार, एच माने हो गया कर्ण, पी माने हो गया लम। अब देखिए मैंने जो कहा लाल कक्का, लाल कक्का, तो देखिए पहला जो फॉर्मूला है इसको याद रखना, ये ट्रिक है याद करने का। तो याद रखिए ऑर्डर वही रहेगा, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। तो पहला है कि लाल कक्का में देखिए एल आर के यानी कि लम बटा कर्ण, देखिए पहला मिल गया साइन का लम बटा कर्ण, फिर क्या है आधार बटा कर्ण, देखिए कॉस का मिल गया आधार बटा कर्ण, तीसरा क्या है लम बटा आधार, देखिए टेन का मिल गया लम बटा आधार। अब जो बाकी जो तीन फॉर्मूला ये उल्टा आएंगे और वो भी इनवर्स तरीके से, यानी कि आधार बटा लम हो जाएगा हमारा कॉट थीटा का, फिर कर्ण बटा आधार हो जाएगा सेक थीटा का, और सबसे आखिर में कर्ण बटा लम हो गया ये कोसेक थीटा का। अब स्टूडेंट्स अगर आपको इंग्लिश में अगर याद करना है तो मैं जो बोल रहा हूँ इसको दोहराइए आप लोग, पंडित भानु प्रसाद हरी हरी बोल, पंडित भानु प्रसाद हरी हरी बोल, पंडित भानु प्रसाद हरी हरी बोल। तो देखिए तो यहाँ पर कैसे याद रहेगा, तो पंडित भानु प्रसाद पंडित पी से होता, भानु बी से होता और प्रसाद पी से होता, हरी एच से होता, हरी एच से होता और बोल बी से होता। तो अब देखिए इसका फॉर्मूला कैसे हो गया, अगर आप पंडित भानु प्रसाद हरी हरी बोल याद कर लिए फिर ये छः जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो फॉर्मूला है वो एकदम यूँ चुटकी बजाने के समान है। तो देखिए पहला है साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या है हमारा पी वाई एच, देखिए पी वाई एच लिखा, दूसरा हमारा बी वाई एच है कॉस थीटा बी वाई एच दिया हुआ, तीसरा पी वाई बी ये टेन थीटा पी वाई बी हो गया। उसके बाद जो है तीन फॉर्मूला के बाद अभी जो आएंगे उल्टा तरफ से आएंगे और इनवर्स एकदम नीचे से लेना, यानी कि बी वाई पी हमारा हो गया कॉट थीटा का बी वाई पी, उसके बाद है एच बाई बी हो गया हमारा सेक थीटा का, और छठा जो कोसेक थीटा एच बाई बी, देखिए एच बाई पी है ना। तो गाइज है ना ट्रिक से देखिए फॉर्मूला याद करना कितना आसान है, इसको जरूर ट्राई कीजिए, यूँ चुटकी बजाते हुए आपको याद हो जाएगा। तो ये हमारा था पहला सेट ऑफ फॉर्मूला। अब दूसरा सेट में आते हैं कि टेन थीटा हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ये बहुत काम आएगा आपको, कि टेन थीटा बराबर होता साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे कि साइन के जैसे पी बाई एच होता और कॉस का भी एच एच कटेगा तो क्या होगा पी बाई बी बचेगा, यानी कि वो हमारा टेन थीटा, और इसी तरह कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बाई साइन थीटा होता है ना। फॉर्मूला नंबर सेट थ्री, तो सेट थ्री होता साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन होता। अब ये एक फॉर्मूला, इससे हम लोग को तीन फॉर्मूला टोटल मिले, जैसे साइन स्क्वायर थीटा बराबर वन का वन हो गया, ये प्लस कॉस स्क्वायर इधर चला गया तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये दूसरा हो गया। तीसरा देखिए ये कॉस स्क्वायर थीटा अगर हम लोग लिखना चाहे तो वन का वन, ये प्लस साइन स्क्वायर थीटा उधर आके माइनस हो गया। फॉर्मूला है ना सेट नंबर फोर, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। अगर आप लोग इसको सिर्फ याद कर लेंगे तो देखिए सेक स्क्वायर थीटा बराबर वन का वन, यहाँ माइनस टेन स्क्वायर थीटा इधर आके क्या हो गया प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ देखिए यहाँ माइनस अगर उधर चला गया तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस में हो गया। तो सेक स्क्वायर ऐसे ही रखें, वन को इधर लेके माइनस, ठीक है। तो कितना आसान है, एक फॉर्मूला याद करिए तीनों ऑटोमेटिक होगा। फॉर्मूला सेट नंबर फाइव, तो कोसेक स्क्वायर थीटा फॉर्मूला नंबर फाइव में है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। तो है ना ये एक हो गया, एक याद रखें तो नीचे वाला आप ऑटोमेटिक आप सॉल्व करके बना सकते, जैसे माइनस कॉट उधर चला गया तो प्लस हो गया, कोसेक स्क्वायर थीटा वन इधर आया तो माइनस वन हो गया, और ये कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर वन माइनस कॉट स्क्वायर इधर आ गया प्लस कॉट स्क्वायर हो गया। अब आखिरी और लास्ट फॉर्मूला सेट नंबर सिक्स है ना, जो कि पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय,
हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी कि हिंदी में बोलेंगे कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, और फिर है दूसरा जो है परपेंडिकुलर स्क्वायर अगर निकालना चाहते हैं तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, यानी कि लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, और थर्ड जो है तीसरा जो अगर बेस निकालना चाहें तो बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सो गाइज टुडे आई एक्सप्लेन द टोटल डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ द चैप्टर 8 इन एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि त्रिकोणमिति अनुपात का परिचय। इन माई एक्सप्लेनेशन इफ यू हैव एनी टाइप्स ऑफ डाउट्स और क्वेरी देन प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग यू कमेंट मी ऑन माई कमेंट्स सेक्शन, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। देन सी यू ऑन नेक्स्ट टाइम एंड माई नेक्स्ट वीडियो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।